नमस्कार, आप देख रहे हैं एसजे न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास पेशकश। एक कहावत तो आप सबने सुनी होगी कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। इस कहावत को दिल्ली के एक युवा ने अपने जहन में बिठा लिया और चल निकला है अपने अरमानों को पंख लगाने। जी हाँ, यह युवा देश की राजधानी दिल्ली से निकला है भारत भ्रमण पर और लक्ष्य है गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराना। आपकी स्क्रीन पर साइकिल चलाता यह युवा किसी साइकिल दौड़ का हिस्सा नहीं है। यह देश के दिल दिल्ली से भारत भ्रमण पर निकला है अपने देश के सैनिकों के सम्मान में और लक्ष्य है गिनीज बुक में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराना। दिल्ली का रहने वाला आफ्ताब फरीदी एक साइकिलिंग प्लेयर है। करीब 132 दिन पहले अपने घर से निकला यह साइकिल सवार आज सागर जिले के राहतगढ़ पहुंचा है। राहतगढ़ पहुंचने से पहले तक आफ्ताब करीब 12,850 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर चुका है और प्रतिदिन 150 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक की यात्रा हो जाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र आफ्ताब ने बताया कि साइकिलिंग में गिनीज बुक में अभी तक ऑस्ट्रेलिया के बेल्जियम होडेन के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है, जो उन्होंने 8 माह में 18,000 किलोमीटर साइकिल चलाकर बनाया था। मैं इस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहता हूँ। मैं 9 माह में 30,000 किलोमीटर साइकिल चलाकर यह रिकॉर्ड भारत देश के नाम करना चाहता हूँ। मेरी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है अपने देश के सैनिकों का सम्मान। मेरा नाम आफ्ताब फरीदी है और मैं दिल्ली से हूँ। तो आप किस उद्देश्य को लेकर साइकिल यात्रा कर रहे हैं? मैं इस समय अटेम्प्ट कर रहा हूँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सिंगल कंट्री लॉन्गेस्ट साइकिल डिस्टेंस। सो ये मैं अपने सैनिकों के सम्मान के लिए साइकिल का भारत भ्रमण कर रहा हूँ। तो अभी आप कहाँ से, मतलब कितने किलोमीटर चल चुके हैं अभी तक? अब तक मैंने 15 स्टेट क्रॉस कर चुका हूँ और 12,850 किलोमीटर मैं साइकिल चला चुका हूँ। सो अभी जो रिकॉर्ड होल्डर है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर बेल्जियन वुडन, उनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 18,922 किलोमीटर का टारगेट है, पर मैं 9 महीने में उनसे डबल साइकिल चलाऊंगा 30,000 किलोमीटर। जिस तरह मैं अपनी माँ की पेट में 9 महीने था, ठीक उसी तरह मैं भारत माँ के 9 महीने भ्रमण करके अपना पुनर्जन्म करूंगा। तो अभी आपको मतलब कितने दिन हो गए आपको? आज मेरा 132 दिन कंप्लीट हो गया। पर डे आपकी दिनचर्या क्या क्या रहती है? मैं रोज सुबह उठता हूँ 4:30-5:30 राइड स्टार्ट करता हूँ, तो मैं पूरे दिन में 12-14 आवर साइकिल राइड करता हूँ। और आई हैव नो मनी, कहीं पे भी कुछ भी जगह मिलते तो वहीं पे सो जाता हूँ। जस्ट लाइक शमशान घाट हाईवे या किसी का घर नॉक नॉक करा, सर हेलो मेरी नेम इज आफ्ताब फरीदी, कैन यू स्टे योर होम आउटसाइड होम जस्ट लाइक यू नो डॉग, मैं क्या आपका कुत्ता बन के बाहर सो सकता हूँ। सो पब्लिक हेल्प करती है और दिन में मैं 150-200 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ। एमपी में कैसा लगा आपको? एमपी बहुत गजब है, मैंने सुना था एमपी गजब है, ये साबित हो गया। एमपी के लोग सपोर्टिव है, फ्रेंडली है और फिर जाके हेल्पफुल है। एमपी में अभी तक मैं रोड पे नहीं सोया, एमपी के लोग दिलों में बसा के रख लिया। एमपी है स्पेशली सागर साहिबगंज, तो बहुत अच्छे लोग हैं, अमेजिंग। तो अभी आप फिलहाल स्टूडेंट, मतलब कोई खेल वगैरह से हैं क्या? हाँ, मैं खुद दिल्ली टीम से एक नेशनल प्लेयर हूँ, प्रोफेशनल साइकिलिस्ट। सो इस समय मैं सैनिक सम्मान के लिए राइड कर रहा हूँ, क्योंकि दुनिया का हर एक इंसान सेल्फिश होता है, हमारा देश का जवान सेल्फिश नहीं होता। अभी तक 15 राज्यों का भ्रमण कर चुके आफ्ताब 19 जून को दिल्ली के इंडिया गेट पर पहुंचकर अपनी यात्रा को विराम देंगे। आज सुबह जैसे ही साइकिल यात्री आफ्ताब सागर जिले के राहतगढ़ पहुंचे तो राहतगढ़ वासियों ने आफ्ताब का तहे दिल से वेलकम किया। इस दौरान उन्होंने अपनी अभी तक की साइकिल यात्रा के अनुभवों को लोगों से साझा करते हुए बताया कि इस यात्रा की निगरानी सेंसरों के माध्यम से की जा रही है। साथ ही बताया कि मध्य प्रदेश एक अच्छा राज्य है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। काइंड ऑफ 6 तरह के एविडेंस होते हैं हमारे पास। सबसे पहला जीपीएस, जो डायरेक्ट गार्मिन सैटेलाइट से कनेक्शन है, सो वो मुझे फॉलो करते हैं। फिर वीडियो होता है, रिटर्न होता है, विटनेस होता है, फेमस माइलस्टोन होता है, सो हम वहाँ जाके फोटो खींचते हैं, रिटर्न लेते हैं, पीएस जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, जैसे लाइक लोयर ऑफिस हेड ऑफिस जाते हैं, रजिस्टर के पास जाते हैं, तो ये रिटर्न हो गया। और फिर मेरा जीपीएस है, किलोमीटर है, तो ये सारा सब कुछ इससे कनेक्शन है, तो वो सब मुझे फॉलो करते हैं। और सेंसर वगैरह कैसे? सेंसर है, दो मेरी बॉडी पे लगे हुए, एक शूज में, एक चेस्ट पे, जो मेरी हार्ट रेट से है कि कोई और साइकिल तो नहीं चला रहा। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, आप ट्रक में, किसी लॉरी में, बस में गाड़ी रख के तो नहीं चला रहे, तो वो आपकी पूरे मेजरमेंट सेंसर के लिए होती है कि आप साइकिल चला रहे हो, कोई और तो साइकिल नहीं चला रहा। तो सीधा सा बात, आप साइकिल से चल रहे हो नहीं, एक हाँ, होता। सीधा सादी बात क्या करोगे कि आप ही साइकिल चला रहे हो और एक ही साइकिल यूज हो रही है, आपने दूसरी कोई साइकिल नहीं ली,
तो इसलिए पूरी साइकिल का मेजरमेंट होता है, व्हील साइज होता है, फ्रेम होता है, उन्हें सब कुछ पता है कि एक ही साइकिल शुरू से लेकर आखिरी तक मतलब पूरे 29 राज्य में पूरे भारत भवन में एक ही साइकिल यूज करी गई है। ऑस्ट्रेलिया में कितने किलोमीटर का रिकॉर्ड है? ऑस्ट्रेलिया में बेल्जियन वुडन सरकार रिकॉर्ड है 18,922 किलोमीटर का। कितने दिन में किया तुमने पूरा? उन्होंने 8 महीने में किया था, उनको फुल ऑन स्पॉन्सर था और मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गवर्नमेंट नहीं सपोर्टेड है और कंपनियां नहीं है, तो मेरे पास पब्लिक सपोर्ट है, आप जैसे भाई हैं जो रहने की जगह देते हैं, खाने की जगह देते हैं, तो खाना मिलता है, रात को जहाँ मर्जी सो जाता हूँ, इसलिए मेरा टारगेट है 9 महीने में 30,000 किलोमीटर चलाना। हिंदुस्तान की तरह हिंदुस्तान का दिल भी बड़ा है, तो डबल टारगेट करेंगे, 18,000 नहीं 30,000 किलोमीटर। आफ्ताब की यह साइकिल यात्रा इस बात को सही साबित करती है कि अगर इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो वह बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकता है, बस जरूरत है इंसान के जिंदा दिल होने की। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपको यह साइकिल यात्रा कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। तो हमें दीजिए इजाजत, आगे फिर हाजिर होंगे किसी नई खबर के साथ। नमस्कार।